इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पेटीएम से अगर अपने क्रेडिट कार्ड यूपीआई से पेमेंट करते हुए होते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी पेमेंट्स वह रहती हैं जो नहीं हो पाती, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारी पेमेंट्स रहती हैं जो क्रेडिट कार्ड यूपीआई से भी नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि गोल्ड पर देखते हैं कि वो चलेगा या नहीं। तो उसमें क्या बताया गया है, मैं इस सेक्शन को खोलता हूँ एंड यहाँ पर हम 10 रुपये तक लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 रुपये मैं यहाँ पर लगाता हूँ और बाय वन टाइम इस पर हम टिक करते हैं, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाता है इस तरीके से, आपको भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से दिखा रहा है, जो कि पेमेंट होती है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रही है। देखिए, इस तरीके से दिखा रही है, एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड, दिस मर्चेंट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। तो यूपीआई से भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये एक्सेप्ट करे, या ऐसा हो नहीं सकता कि हम इसे एक्सेप्ट करा सकें, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखिए, मैं आपको सिंपली बता दूँ क्रेडिट कार्ड से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि इनकी टर्म एंड कंडीशंस में लिखा हुआ रहता है। अब फ्यूचर में कोई कार्ड आए वो इस चीज़ को, रूल्स को तोड़ दे, या फिर जो कार्ड आ रहे हैं उनमें ऐसी सुविधा मिल जाए, वो कह नहीं सकता। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके बेसिक यूसेज के लिए होता है, ना ही आपके पैसे निकालने के लिए होता है कभी भी क्रेडिट कार्ड, ना ही आपके इन्वेस्टमेंट के लिए होता है क्रेडिट कार्ड। आप उससे सिर्फ कुछ ख़रीदारी या फिर जो है कुछ कर सकते हैं जो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कर सके। कार्ड बेसिकली इसी रूल पर चलता है, और अगर हम क्रेडिट कार्ड से कुछ ऐसी पेमेंट करते हुए होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि हो तो जाती है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं जो कि क्रेडिट कार्ड पर जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे लेती हैं आपके पैसे निकलवाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली सी इसका कोई जो है ऑफिशियल पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आप मूवीज़ टिकट बुक करते हैं डायरेक्ट पे क्रेडिट कार्ड से हो जाएंगे, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, बस टिकट, इवेंट टिकट, होटल, ट्रेन बुकिंग, तो ये आपके या तो सुविधा अनुसार है या फिर जो है एंटरटेनमेंट अनुसार जो है यूपीआई क्रेडिट कार्ड हो चाहे किसी से भी हो, आपकी पेमेंट जब भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।